हेलो स्टूडेंट्स मैं अजहर बार फिर आपके साथ हूँ ऑनलाइन क्लासेस में और आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो आज हम एक्सपोनेंट्स के लॉज जो हैं वो स्टार्ट करेंगे वो सीखेंगे तो एक्सपोनेंट्स में सबसे पहला लॉ आता है ए पावर एम इनटू ए पावर एन अगर a पावर m हो और इन में a पावर n हो तब क्या होता है कि इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं इस डॉट का मतलब है इन टू मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई भी हो सकता है इसके साथ में ओके तो जब भी दोनों के बीच में दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई होता है और दोनों के बेस सेम होते हैं इनको बेस कहा जाता है और इनकी पावर्स को एक्सपोनेंट्स बोलते हैं तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है ओके okay, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं और बेस को केवल एक बार लिख देते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स एम प्लस एन ये हुआ इसका फर्स्ट लॉ ओके तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं हम ये सेवन पावर टू है और इन टू सेवन पावर थ्री ओके okay, तो सेवन पावर टू और सेवन पावर थ्री है इन टू का साइन है बीच में ठीक है तो डॉट भी हो सकता है और इन टू का साइन भी हो सकता है दोनों ही हो सकते हैं दोनों का मतलब एक ही है मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन ओके तो जब भी मल्टीप्लाई होगा बीच में तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं और बेस को एक बार लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेवन ओके okay? बेस एक बार लिख दिया हमने और पावर्स को हम ऐड कर लेंगे तो टू प्लस थ्री और इसका आंसर आ जाएगा सेवन थ्री और टू फाइव तो सेवन पावर फाइव ये इसका आंसर आ जाएगा लेकिन एक बात याद रखिएगा जब बेस सेम होंगे तभी ये रूल लगा सकते हैं बेस चेंज होंगे अगर तब ये रूल नहीं लगा सकते इट मीन्स अगर ए पावर एम इन टू बी पावर एन होगा तब ये रूल नहीं लगेगा ओके okay? ये रूल कब लगेगा जब बेस सेम होंगे दोनों के बेस जो होंगे वो एक ही होनी चाहिए जैसे हाँ ए है तब लगेगा ये रूल ओके okay? ऐसे हम एग्जाम्पल हमने जो लिया है उसमें हमने देखा सेवन है दोनों के बेस तब लग जाएगा अगर यहाँ सेवन पावर टू होता और फाइव पावर थ्री होता तब यह फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगता ओके सेकेंड फॉर्मूला ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन तो अब यहाँ पर अगर साइन डिवाइड का हो बीच में डिवीजन हो रहा है तब क्या करते हैं अगर बेस सेम है डिवीज़न का साइन है तो इनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ए और m माइनस एन ये पावर्स आ जाएंगी फिर से देख लीजिए बेस a एक बार लिखेंगे और इनकी पावर्स को हम माइनस कर लेते तो, तो a पावर m माइनस एन हो जाएगा ये ओके ये हो गया हमारा रूल अच्छा इसको अपॉन में भी आ सकता है ये ठीक है ये अपॉन में भी आ सकता है इट मीन्स ए पावर एम अपॉन ए पावर एन हो अगर तो ये भी डिवीज़न में है ओके तब भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे एम माइनस एन तभी यही फम लगाना होगा हमें ए पावर एम माइनस एन क्यों क्योंकि डिवीज़न का साइन ला लिखें लिखे या अपॉन लिखें एक ही बात है ओके तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे फाइव पावर थ्री एंड डिवाइडेड बाय फाइव पावर टू तो इसका आंसर हम लिखेंगे फाइव एक बार लिखेंगे इसका बेस और पावर्स को माइनस कर लेते थ्री माइनस टू एंड इट इज़ फाइव पावर वन और वन को हम फाइव भी लिख सकते हैं तो फाइव इज़ द आंसर ओके इसका आंसर हो जाएगा थर्ड रूल ए पावर एम और उसकी भी पावर एन अगर पावर की पावर होती है ठीक है को, कोई भी बेस हो उस उसकी अगर कोई पावर है उसके ऊपर भी एक पावर लगी तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है तो इसको हम लिखेंगे ए और पावर्स जो होंगी एम इन एन ये इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसका भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम तो एग्ज़ाम्पल के लिए हमने लिख दिया है फोर पावर टू और उसकी भी पावर अगर थ्री है तो इसको हम लिखेंगे फोर और पावर जो होंगी तो टू इन टू थ्री एंड थ्री टू जिक्स तो फोर पावर सिक्स तो इसका आंसर फोर पावर सिक्स आ जाएगा ओके नेक्स्ट फोर्थ लॉ ए पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स अब इस बार क्या है यहाँ पर बेस अलग होते हैं और अगर पावर सेम हो ओके okay? तो फिर से देख लीजिए अगर बेस अलग हो पावर सेम हो तब क्या करेंगे तब हम क्या करते हैं बेस सेम है यहाँ पर आ, पहले हमने अभी देखा कि बेसिस बेस जो थे वो सेम थे पावर्स अलग थी तो उनका हमने रूल लगाया उसका मल्टीप्लाई होता तो प्लस में कर लेते थे लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया अब बेस अलग है और पावर्स को हमने सेम कर लिया है तो जब बेस सेम थे तो बेस को हमने एक बार लिखा था और यहाँ पावर सेम है तो पावर को हम एक बार लिखेंगे पावर को आप एक बार लिख दीजिए ओके और पावर्स हमने कॉमन लेकर एक बार लिख दिया है तो अब जो भी बचे वो ऐसे ही आ जाएंगे तो ए इंटू बी है तो ए इंटू बी आ जाएगा ओके इसका एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं सेवन पावर टू इंटू थ्री पावर टू अगर ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे इसको पावर टू और टू है दोनों की तो कॉमन लेकर हमने एक बार पावर लगा दी अब पावर्स तो कॉमन होंगे तो क्या सेवन इंटू थ्री बचा केवल तो सेवन इंटू थ्री एंड सेवन थ्री सा ट्वेंटी पावर इसकी हो जाएगी टू तो ट्वेंटी वन स्क्वायर दिस इज द आंसर नेक्स्ट फाइव इसी तरह से अगर यहाँ डिवीज़न आ जाए बीच में पावर सेम हो बेस चेंज हो तो फिर से वही करेंगे हम पावर्स को आप कॉमन ले लीजिए एक बार लिख दिया और अंदर आप क्या बचा ए डिवाइडेड बी तो ए डिवाइडेड बी और इसको आप a अपॉन बी और उसकी पावर x भी लिख सकते हैं ओके तो ये इसी तरह से अपॉन में भी आ सकता है ए पावर एक्स अपॉन बी पावर एक्स ओके ए पावर एक्स अपॉन बी पावर एक्स तब भी आप यही करेंगे तो ए अपॉन बी ब्रैकेट में आ जाएगा और पावर इनकी हो जाएगी कॉमन फिर से देख लीजिए पावर हमने कॉमन ले ली तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ए ओवर बी वो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ये इसका आंसर होगा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले लीजिए थ्री पावर टू एंड फाइव पावर टू ओके तो पावर सेम है आप पावर्स को एक बार लिख दीजिए और अब पावर जब सेम हमने एक बार लिख दिया कॉमन ले लिया तो थ्री अपॉन फाइव बचा है तो थ्री अपॉन फाइव ये इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट रूल नंबर सिक्स ए पावर ज़ीरो इक्वल्स वन ए की पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसका आंसर वन होता है इसका मतलब एक की जगह कुछ भी हो सकता है एक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसका मतलब अगर वन की पावर ज़ीरो तो आंसर वन टू की पावर जीरो तब आंसर वन नाइन की पावर जीरो आंसर वन टेन पावर जीरो आंसर वन हंड्रेड पावर जीरो आंसर वन थाउजेंड पावर ज़ीरो आंसर वन वन लैक पावर ज़ीरो आंसर वन इसका मतलब कुछ भी हम लेंगे आंसर वन होगा जैसे सेवन पावर जीरो लिया हमने एग्जांपल आंसर वन होगा ओके okay, अगर हम टेन पावर ज़ीरो लेते हैं तो उसका आंसर भी वन होगा ओके हंड्रेड पावर ज़ीरो लेते हैं तो उसका भी आंसर वन होगा ओके अगर हम वन थाउजेंड की पावर ज़ीरो लेते हैं तो उसका भी आंसर वन होगा ओके तो इस तरह से आप किसी की भी पावर अगर ज़ीरो देखें तो डायरेक्ट उसको आप वन लिख देंगे कुछ भी नहीं सोचना है हमें कहीं भी किसी की भी पावर जीरो दिखाई दें इसका मतलब उसका आंसर वन ओके जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम ऑन लेते टू पावर ज़ीरो अगर वो भी वन ओके थर्टी नाइन पावर ज़ीरो इसका आंसर भी वन तो कुछ भी नंबर कैसा भी नंबर माइनस में हो तब भी पावर अगर होगी ठीक है जैसे ये थर्टी नाइन हमने लिया था प्लस का अगर हम इसको माइनस बना लेते हैं अगर माइनस थर्टी नाइन पावर ज़ीरो होगी अगर ये तब भी इसका आंसर वन होगा ओके नेक्स्ट सेवन रूल नंबर सेवन तो अगर ए अपॉन बी और उसकी पावर एक्स होती है ठीक है तो हम क्या करते हैं अगर इसके अंदर को रेसिप्रोकल कर दिया जाए इसका मतलब इसको बी ओवर ए लिखा जाए ठीक है तो इसकी पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा अगर प्लस का एक्स है तो वो माइनस का एक्स बन जाएगा फिर से सुन लीजिए जब भी ब्रैकेट के अंदर का जो भी नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उनकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं इसका मतलब अगर पावर प्लस है तो पावर हो जाएगी माइनस इसी तरह से अगर पावर माइनस होती है तो वो हो जाएगी प्लस ओके okay? तो और करके हम लिख सकते हैं और अपॉन बी पावर माइनस एन है तो इसको हम बी अपॉन ए पावर प्लस एन ऐसे कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ अगर हम इसको रेसिपोकल कर रहे हैं तो पावर चेंज हो जाएगी प्लस की पावर है तो माइनस हो जाएगी अगर माइनस की पावर है तो प्लस का बन जाएगा इसका मतलब हमें कहीं भी माइनस की पावर मिल जाए और उसको हमें सॉल्व करना हो तो माइनस की पावर में सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसलिए उसको प्लस बनाना होगा तो पावर को प्लस बनाने के लिए आप रेसिपोकल कर दीजिए ठीक है तो ये रूल दोनों तरह से लगेगा कि अगर हम इसको रेसिपोकल कर रहे हैं तो पावर चेंज हो रही है या हम अगर पावर चेंज करना चाहते हैं तो इसको रेसिपोकल कर दीजिए तो इसको दोनों तरह से हम लगा सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं थ्री बाई टू पावर फोर अगर ऐसा है तो हम इसको टू बाय थ्री पावर माइनस का फोर ले सकते हैं और इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो फाइव अपॉन टू पावर माइनस थ्री अगर ऐसा है तो हम टू बाय फाइव पावर प्लस का थ्री लिख सकते हैं ओके नेक्स्ट रूल नंबर एट इसी पर बेस एक और क्वेश्चन आ गया अगर वन अपॉन और कोई भी नंबर पावर में है जैसे वन अपॉन ए पावर एन तो अब इसको अपॉन में है हम इसको ऊपर अगर लिखें ठीक है तो इसका ऊपर का मतलब इसको वन अपॉन ए है ये ठीक है उसे रेस्पोकल करना चाहें अगर तो ये हो जाएगा ए पावर और माइनस एन इसका मतलब वन अपॉन ए पावर एन है तो अगर हम ये डिनोमीटर में हैं हम न्यूमीटर में भेजना चाहें तो इसका मतलब रेसिप्रोकल तो ए पावर माइनस एन हो जाएगा ठीक है ये इसका फॉर्मूला हो गया इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं वन अपॉन थ्री पावर टू है तो इसको हम थ्री पावर माइनस टू इस तरह से इसको लिख सकते हैं या अगर माइनस की पावर है थ्री पावर माइनस और वन अपॉन थ्री पावर माइनस टू है तो इसको हम थ्री पावर प्लस का टू लिख सकते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नाइन एक्स पावर एम प्लस एन अब जो हमने फ़र्स्ट लॉ पढ़ा था फर्स्ट रूल उसमें क्या था पावर को प्लस कर लेते थे तो उस रूल को हम रिवर्स भी कर सकते हैं तो वही रूल यहाँ पर आ गया है कि अब अगर पावर प्लस में दे रखी हो और बेस एक हो तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं इसका मतलब हम इनको लिख सकते हैं एक्स पावर एम इन टू एक्स पावर एन जैसे फर्स्ट रूल था कि अगर बेस सेम होते हैं पावर अलग अलग हैं मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको हम बेस एक लिख कर पावर को ऐड कर लेते थे तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं अगर बेस एक ही है पावर ऐड की हुई हैं प्लस के साथ लिखी हुई हैं तो हम इसको अलग अलग बेस पर और मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख सकते हैं इसका मतलब एक्स की पावर एम इन एक्स की पावर एन इसका दोनों पावर जो हैं वो एक्स को अलग अलग दे दी जाएंगी और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया जाएगा इसका एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं थ्री पावर टू प्लस थ्री है अगर ओके तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री पावर टू इन थ्री पावर थ्री ओके नेक्स्ट रूल नंबर टेन तो रूल नंबर टेन जो है वो रूल नंबर टू का रिवर्स है उस रूल में हमने पढ़ा था कि अगर आ, टर्म्स डिवीज़न में होती हैं तो हम पावर्स को माइनस कर लेते हैं तो उसका ही रिवर्स है अगर पावर माइनस में दी हो तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं अलग अलग बेस पर इसका मतलब x पावर m और डिवीज़न x पावर n लिख सकते हैं इट मीन्स x पावर m n x पावर n। तो ये भी हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा सेकेंड रूल का यह हम कहें सेकेंड लॉ जो था उसका हमने रिवर्स कर लिया तो रिवर्स भी हो सकता है तो इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं थ्री पावर फाइव माइनस टू है अगर तो इसको आप लिख सकते हैं थ्री पावर फाइव एंड डिवाइडेड बाय थ्री पावर टू और थ्री पावर फाइव डिवाइडेड बाय थ्री पावर टू ओके नेक्स्ट 11 एक्स पावर एम इंटू एन तो ये जो है वो थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा था उसका रिवर्स है उसमें हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे अगर पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो ऐसा ही अगर पावर की मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं पावर के ऊपर पावर लगा कर तो एक्स पावर एम और उसकी भी पावर एन इस तरह से इसको लिख सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिए फाइव पावर थ्री इंटू टू है अगर ओके तो हम इसको लिख सकते हैं फाइव पावर थ्री और उसकी भी पावर टू ओके नेक्स्ट ट्वेल्व नंबर रूल नंबर ट्वेल्व ए इंटू बी पावर एक्स अब ये उसका नेक्स्ट जो रूल था उसका रिवर्स है तो उसमें क्या किया था हमने अलग अलग थे बेस पावर, और पावर्स सेम थी तो हमने पावर्स एक लिख, लिख ली थी कॉमन ले ली थी एक और बाक़ी जो था वो ब्रैकेट में लिख दिया था तो यहाँ पर उसका रिवर्स है अगर ब्रैकेट में दो नंबर्स लिखे हैं और पावर एक है तो ये पावर हम दोनों को दे सकते हैं तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स ओके तो हमने ये पावर एक्स जो थी वो ए को भी दे दिया है और बी को भी ये दे दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओके okay? इसका एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं फाइव इंटू थ्री पावर टू है तो इसको आप लिख सकते हैं फाइव पावर टू इंटू थ्री पावर टू ओके okay, तो इस तरह से हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओके ओके नेक्स्ट रूल नंबर थर्टीन ए डिवाइडेड बाय बी पावर एक्स अब अगर डिवीजन में हो पावर एक्स लगा हो ठीक है तो उसको भी हम इसी के जैसे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर देंगे तो ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय बी पावर एक्स और इसको आप अपॉन में भी लिख सकते हैं तो ए पावर एक्स और बी पावर एक्स ओके okay. अच्छा ये अपॉन में भी आ सकता है ठीक है ए अपॉन बी और उसकी पावर एक्स हो अगर तो आप लिखिएगा ए पावर एक्स इसको दे दिया और अपॉन में भी दे दिया हमने बी पावर एक्स इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम फाइव बाय टू पावर थ्री लगी है तो फाइव पावर थ्री अपॉन टू पावर थ्री ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओके okay? इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए